This topic is how to design or how to find CLR parser and parsing table. And the grammar is CLR parser or not. ठीक है. And yesterday topic was LR0 parser and find this grammar is LR0 parser or not, and also SLR parser. And now today we discuss the CLR parser. ठीक है. And first of all we discuss about yesterday topic. What is the difference between CLR LR0 and CLR parser? LR0 parser, LR0 और LL1 parser हम लोग बोल सकते हैं. LL1 parser and CLR, LR0 parser and CLR parser. बबीता कुमारी, LR0 parser में यहाँ पर क्या हो रहा था? What is the how we find the parsing table or the grammar is LR0 or not? हम लोग कैसे कर रहे थे? बोलो. बबीता कुमारी, रेहान सकीब खान, यस सर, तुम बोलो, एक बार बोल दो, क्योंकि मैं जो टॉपिक्स हो गया वो एक बार करके डिस्कस कर लेता हूँ, इसलिए क्योंकि वो अच्छे से आना चाहिए. अगर इस चीज में प्रॉब्लम हो जाएगा तो कंपाइलर में एक प्रॉब्लम रह जाएगा. ठीक है. तो इसलिए सब जो चीज है LR0 CLR SLR उसमें जो फंडा है, जो प्रोसेस है, वो जानना चाहिए. ठीक है. फिर मैं LR0 CLR पार्सर को एक बार रिपीट करके आज का जो टॉपिक है SLR CLR पार्सर वो करूंगा. LR0 और SLR पार्सर एक बार मैं बोल दूंगा क्या हो रहा था, तो तुम लोग बोलोगे, क्योंकि कल मैं दोबारा बोला. बोलो LR0 पार्सर. सर, LR0 में सबसे पहले हम लोग LR0 कैनोनिकल आइटम का यूज करके पार्सिंग टेबल क्रिएट करेंगे. तो सबसे पहले कैनोनिकल आइटम यहाँ पे हम लोग e-goes-to.e, ये हम लोग ऑगमेंट ले रहे हैं, एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहे हैं. ठीक है. तो वो हम लोग ऐड किए, उसके बाद यहाँ e जो है ये हमारा वेरिएबल है, तो हम लोग को e का वैल्यू निकालना होगा. तो यहाँ पे e का वैल्यू जो हमारा दिया हुआ, यहाँ पे रूल नंबर 1 है जो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ई गोज टू टी प्लस ई, और एक टी ये दिया हुआ है, ये रूल नंबर 1 हो गया टी प्लस ई, और टी रूल नंबर 2 है, और आईडी रूल नंबर 3 है. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ई गोज टू डॉट टी प्लस ई, और दूसरा लिखेंगे ई गोज टू डॉट टी, और टी जो है सर वो भी हमारा वेरिएबल है, तो टी को भी हम लोग निकालेंगे, तो टी गोज टू डॉट आईडी हो गया. तो ये जो है ये हमारा एक आइटम नंबर 0 बन जाएगा ये पूरा. तो ये आइटम नंबर 0 हम लोग सबसे पहले बना लेंगे, उसके बाद हम लोग ई के लिए हम लोग को निकालना होगा. तो हम लोग ई के लिए जब आइटम नंबर 1 पर लेने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ई डैश इज इक्वल टू डॉट डिराइव टू डॉट ई, इस डॉट ई डॉट के बाद अगर वेरिएबल होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे. ठीक है. यस सर, वही ओपन. अगर वेरिएबल नहीं होता तो हम लोग ओपन नहीं करते. तो डॉट ई को ओपन करेंगे तो ई में 2 प्रोडक्शन है, ये 2 प्रोडक्शन के पहले डॉट बैठ जाएगा. फिर यहाँ पर टी है, तो टी एक वेरिएबल है, इसलिए हम लोग टी को ओपन कर रहे हैं, इसलिए टी के पहले जो आईडी है आईडी के आगे डॉट बैठ जाएगा. फिर बोलो. यस सर. तो ये हमारा आइटम नंबर 0 क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ई के लिए मूव करेंगे सर. तो ई के लिए जब मूव करेंगे आइटम नंबर 0 से, तो यहाँ पे हो जाएगा ई डैश गोज टू ई डॉट, ई डॉट बाद में चला जाएगा. तो ये जो अब ये जो हमारा ये एक्सेप्ट स्टेट आ गया,
तो ये हमारा आइटम नंबर वन बन जाएगा। वैसे ही हम लोग दूसरे इसके लिए भी निकालेंगे, तो टी के लिए भी हम लोग निकालेंगे, तो टी के लिए हो जाएगा ई गोज टू टी डॉट प्लस ई, और दूसरा वाला हो जाएगा ई गोज टू टी डॉट, और उसके बाद जो है तीसरा वाला जो है आईडी के लिए निकालेंगे, तो टी गोज टू आईडी डॉट हो जाएगा। तो सर ये जो हमारा टी गोज टू आईडी डॉट है, ये हमारा रूल नंबर थ्री है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रिड्यूस थ्री लिखे हैं। और ये जो है ई गोज टू टी डॉट, ये हमारा प्रोडक्शन रूल नंबर टू था, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिड्यूस टू लिख रहे हैं। और ये उसके बाद हम लोग प्लस के लिए निकालेंगे, तो प्लस के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे ई गोज टू टी प्लस डॉट टी हो जाएगा। और जो हमारा दूसरा वाला है ई गोज टू, तो ई सॉरी टी प्लस डॉट टी हो जाएगा, तो सर ये ई जो है ये हमारा वेरिएबल हो गया, तो हमारा ई को फिर से हमें ओपन करना पड़ेगा। तो हम लोग ई को ओपन करेंगे तो डॉट टी प्लस ई हो जाएगा, और दूसरा वाला ई गोज टू डॉट टी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे टी फिर से वेरिएबल आ गया, तो हम लोग टी को भी ओपन किए तो डॉट आई डी हो गया। तो उसके बाद ये आइटम नंबर फोर बन गया। उसके बाद हम लोग ई के लिए निकालेंगे फिर से, तो यहाँ पे ई गोज टू टी प्लस ई डॉट हो जाएगा, तो ये हमारा रिड्यूस वन, मतलब प्रोडक्शन रूल नंबर वन है, हम लोग यहाँ पे रिड्यूस वन इसको कर रहे हैं। देखिए उसके बाद ये जो हमारा दूसरा वाला है ई गोज टू डॉट टी प्लस ई जो था, इसको हम लोग यहाँ पे लिखने के बजाय हमारा जो आइटम नंबर टू पे था इसमें भी वही चीज लिखा हुआ है, तो हम लोग इसकी जगह यहीं पे हम लोग इसको शो करा देंगे कि ई गोज टू टी डॉट प्लस ई हो जाएगा। तो इसका हम लोग शो करा दिए, और टी के लिए भी वैसे हम लोग शो करा देंगे टी गोज टू आई डी डॉट। तो ये हमारा कैनोनिकल आइटम क्रिएट हो गया। उसके बाद सर हम लोग इसका पार्सिंग टेबल बनाएंगे, तो पार्सिंग टेबल में हमारा ठीक है, तुम यही तक रुको, अभिषेक कुमार वर्मा इसको मैं बाद में पूछूंगा, पहले बोलो राजकुमार शिखर डीईसी का, डीईसी का राजकुमार शिखर। हेलो, हाँ तुम बोलो, समझ में आ रहा है जो मैं करा रहा हूँ एलआर जीरो पार्सर एसएलआर पार्सर? जी सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तुम बोलो यहाँ पर कितने स्टेट हो कैलकुलेट होगा, यहाँ पर तो एक एक स्टेट हो रहा है, तो आई जीरो स्टेट ए है, तो इसमें कितना स्टेट है तुम ये बोलो। इसमें तो तीन स्टेट है। तीन स्टेट कैसे हुआ, समझो तुमको ये ड्राइंग जो है जो वो दे दिया और एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा कि इसमें कितना स्टेट है, जो कॉलोनिकल स्टेट है और हम लोग स्टेट भी बोल सकते हैं और कॉलोनिकल आइटम भी बोल सकते हैं, तो इसमें कितना कॉलोनिकल आइटम है और कितने स्टेट है, तीन कैसे हुआ तुम बोलो। उसके बोलो चार गो से आइटम है, तीन स्टेट है, चार आइटम है तीन स्टेट है, आइटम और स्टेट यहाँ पर एक ही है, जो मैं आइटम बोल रहा हूँ उसको मैं कॉलोनिकल आइटम बोल रहा हूँ और वो स्टेट भी है, कॉलोनिकल आइटम और स्टेट, ठीक है, तो कितना है बोलो सर। देखो स्टेट तो चार स्टेट, ये एक स्टेट हो गया, इससे तीन स्टेट क्रिएट हो रहा है, देखो ये आइटम नंबर वन आइटम नंबर टू आइटम नंबर थ्री, ये तो टोटल तीन हो गया, और ये एक चार, फिर इसमें से एक स्टेट हो रहा है आइटम नंबर फोर, ये पांच स्टेट हो गया, और ये एक छह स्टेट। यहाँ पर देखो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसमें मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, तो इसमें छह हो गया ना, और यहाँ पर एक्स्ट्रा हो सकता था, लेकिन जब ये जो चीज है ये तो यहाँ पर भी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर दे रहे हैं, तो ये स्टेट में नहीं आएगा, दोबारा मैं काउंट नहीं करूंगा, और इसमें भी हम लोग दोबारा नहीं काउंट करूंगा, क्योंकि देखो टी डिराइव आईडी, अब जब डॉट को हम लोग
यहाँ पर एक डॉट होगा, डॉट को अगर हम लोग यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे तो यही आ जाएगा टी आई डी डॉट, तो वो तो हम लोग एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको डॉट आईडी मूव करा रहा हूं। आईडी मूव कराने से क्या आ जाएगा, आईडी डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सिक्स स्टेप हो गया, ठीक है। प्रेमचंद साहब, प्रेमचंद साहब तुम बोलो, ये जो पार्सिंग टेबल है LR0 का जो ये पार्सिंग टेबल है, ये हम लोग कैसे ड्रॉ किए मालूम है, बोलो। सर सेकंड क्लास नहीं है। देखो ये जो क्लास है, क्लास में प्रेजेंट रहो, अगर एक क्लास तुम लोग नहीं करोगे तो उसके बाद जो होगा वो समझ में नहीं आएगा। कंपाइलर डिजाइन तो कोई तो थियोरिटिकल क्लास नहीं है, जो एक टॉपिक्स नहीं किए, मैं बाद में एक टॉपिक्स कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक ऐसा प्रैक्टिकल और मैथमेटिकल क्लास है, जो अगर पहला तुम नहीं करोगे तो बाद में तुमको पता नहीं चलेगा वो क्या हो रहा है। और मैं तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ, तुमको बोल रहा हूँ। देखो क्लास स्टार्ट होने के पहले ही मैं क्या करता हूँ, पहले जो टॉपिक्स डिस्कस हुआ है उस टॉपिक्स से मैं क्वेश्चन करता हूँ, तुम लोगों को आंसर देना पड़ता है, और बोलता हूँ वो रिपीट करो क्या हो रहा है वो बोलो। क्योंकि अगर देखो, एक तो ये ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा दिक्कत रहता है, क्योंकि फेस टू फेस में जो होता है वो तो ऑनलाइन में उस तरीके का नहीं हो पाता है ना। तो इसलिए जो हो रहा है वो ठीक से करो, अगर प्रॉब्लम होगा तो मेरे को बोलना, मैं वो रिपीट कर दूंगा, लेकिन करना चाहिए। क्योंकि अगर कंपाइलर डिजाइन में ये आप नहीं करोगे तो ये गैप हो जाएगा, ये बाद में नहीं होगा, ठीक है। अगर समझो नेटवर्किंग होता, ऑपरेटिंग सिस्टम होता, और कोई भी होता, इसमें क्या है, टॉपिक्स है, टॉपिक्स अलग सा है। अगर अगला क्लास नहीं कर किए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो बाद में टॉपिक्स कर लोगे तो हो जाएगा। लेकिन तुम इसमें कंपाइलर डिजाइन में एक चीज समझो, देखो फास्ट एंड फॉलो अगर तुम लोग फाइंड नहीं कर पाए, तुम तो ये LR0 SLR CLR ये तो नहीं कर पाओगे। फिर अगर यहाँ पर ये जो टॉपिक्स है LR0 और CLR जो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, अगर ये नहीं करोगे तो इसमें जो आज का जो क्लास है, समझो CLR, इसमें LR0 है और SLR है, ठीक है, इसमें SLR है। तो अगर ये दोनों चीज नहीं करोगे तो इसमें CLR जो टॉपिक से हो तो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये रिलेटेड है एक से। तो इसलिए क्लास मिस मत करो, ठीक है। बहुत लोग नहीं कर रहे हैं तो मेरे को तो मालूम है, स्टूडेंट 80-90 का आसपास है, लेकिन 20-30 प्रेजेंट रहता है। नहीं करोगे तो तुम्हारा ही लॉस हो जाएगा। डीसी का अभिषेक कुमार बोलो, अभिषेक। यस सर। हाँ तुम बोलो, ये पार्सिंग टेबल हम लोग कैसे ड्रॉ कर रहे हैं LR0 में, ये पार्सिंग टेबल हम लोग कैसे ड्रॉ कर रहे हैं बोलो। बोल सकते हो? नो सर। देखो क्लास अच्छे से करो, क्योंकि देखो तुम्हारा बीच में ही मैं किसी को पूछूंगा तो वो बोल देगा, ठीक है। वो लोग बोल सकते, तुम लोग क्यों नहीं बोल सकते, अगर क्लास करोगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को पूछना, मैं वो रिपीट कर दूंगा, डिस्कस कर दूंगा कैसे हो रहा है, ठीक है। ट्राई करो, देखो अगर तुम लोग नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब तो क्या है, ऑनलाइन क्लास होने से एग्जाम का प्रेशर कम होता है, लेकिन तुम लोगों को तो काम करना पड़ेगा ना। जब समझो हायर स्टडी करोगे या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में तुम लोग काम करोगे, तो उसमें तो तुम लोगों को वो तो क्वेश्चन में तो पूछेगा, ये बीटेक में क्या कर किए हो, उसमें टॉपिक्स क्या था। अगर ए टॉपिक्स बहुत अच्छा है, अगर तुम बोलो जब मैं कंपाइलर डिजाइन पढ़ा था वहां पे LR0 SLR CLR पार्सर मैं जानता हूँ, तो बहुत तुम्हारा एक अलग सा पहचान हो जाएगा कि ए एक सब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट हर किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। तो ट्राई करो, जो मैंने बोला कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो टॉपिक्स करके मेरे को बोलना, सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है और एक बार डिस्कस कर दीजिए,
मैं कर दूंगा, ठीक है। अभिषेक कुमार वर्मा, अभिषेक कुमार वर्मा, यस सर, तुम बोलो ये पार्सिंग टेबल कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं और कैसे हो रहा है, और इसको एलआर जीरो पार्सर हम लोग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बोलो। मालूम है? नो सर, सर पिछले क्लास मैंने नहीं किया था। देखो हर एक आके बोलेगा सर पिछले क्लास पे नहीं किए थे, लेकिन पिछले क्लास पे क्यों नहीं किए थे तुम लोग, ये बोलो तो, क्योंकि ये तो ऑनलाइन क्लास हो रहा है, घर में ही बैठ के कर सकते हो, और पूरे दिन में दो या तीन क्लास होता है, और मैंने बोला ये कंपाइलर डिजाइन का जो क्लास है ये बहुत अलग सा है, अगर पहले क्लास में जो हो रहा है वो नहीं करोगे तो बाद में क्या हो रहा है वो मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसा करोगे तो नहीं होगा। कंपाइलर डिजाइन का एक अलग सा लॉजिक है, उस लॉजिक को समझ में आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा है अगर तुम समझ जाओगे तो बहुत इजी है, अगर नहीं समझोगे तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। चांदनी ओरिया, चांदनी ओरिया, यस सर, तुम बोल पाओगे? नो सर। क्यों, ये तो बहुत इजी है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अपेक्षा बोलो। यस सर। तुम बोलो, इन लोगों को समझाओ कैसे हो रहा है। समझाओ यहाँ पर जो ग्रामर है, ग्रामर से हम लोग यहाँ पर जो कॉलोनिकल आइटम और स्टेट हम लोग यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं, उस आइटम और स्टेट को लेके ये जो पार्सिंग टेबल है, ये पार्सिंग टेबल हम लोग कैसे डिजाइन कर रहे हैं, और उस उन हम लोग इसको एलआर जीरो पार्सर के अंदर हम लोग बोलेंगे, एलआर जीरो पार्सर में है या नहीं है वो हम लोग कैसे बोल पाएंगे वो बोलो अच्छी तरीके से, समझो तुम ही क्लास ले रहे हो, ऐसा समझ के समझो। सर यहाँ पे ग्रामर दिया हुआ है हम लोग को, ई टेंड्स टू टी प्लस ई और टी, और टी टेंड्स टू आई टी सर। सर उसके बाद यहाँ पे ऑर्गुमेंट करेंगे सर। देखो जो लोग हो ऑनलाइन पर ये ठीक तरीके से समझो, ठीक है, ये रिपीट क्लास हो रहा है, अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को बोलना, मैं और एक बार बोल दूंगा, लेकिन ये एलआर जीरो एंड सीएलआर, ये दोनों एसएलआर, ये दोनों आना चाहिए आज, ठीक है, और एक बार देख लो, बोलो अब। सर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑर्गुमेंट रूल अप्लाई करेंगे सर, पहले हम लोग कॉलोनिकल आइटम ये करेंगे, ठीक है, यूज करेंगे कॉलोनिकल आइटम, यूज करने के लिए हम लोग ऑर्गुमेंट लेंगे, फिर बोलो कॉलोनिकल आइटम क्या होता है, जो आई जीरो आई वन आई टू आई थ्री ये जो बॉक्सेस हो रहा है कॉलोनिकल आइटम के अंदर आता है, ठीक है, तो ये हम लोग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गुमेंट लेंगे, ऑर्गुमेंट एक रूल होता है डॉट, ये हम लोग ऐसे ही नहीं ले रहे, एक रूल होता है, इस रूल को अप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर डॉट लेंगे, वी यूज डॉट टू अप्लाई दिस रूल। वो डॉट का मीनिंग है सर कि उसको अभी तक व्यू नहीं किए हैं, उसको अभी तक स्कैन नहीं किए हैं, अगर डॉट वेरिएबल के बाद होता तो उसका मीनिंग होता कि उस वेरिएबल को हम लोग स्कैन कर चुके हैं, मतलब व्यू कर चुके हैं सर। तो कैनोनिकल आइटम को क्रिएट करेंगे, उसके लिए एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे ई डैश, ई डैश में जो ई वेरिएबल है, जो स्टार्ट सिंबल है ई, उसको डालेंगे डॉट ई से, मतलब उसको व्यू नहीं किए हैं। फिर अब जो ई है उसके लिए जो प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है उसको मतलब खोलेंगे एक एक करके, तो ई टेंस टू हो जाएगा, पहला प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है टी प्लस ई को, तो टी प्लस ई के आगे डॉट लगा देंगे, मतलब अभी तक उसको भी व्यू नहीं किए हैं। सेकंड दिया हुआ है प्रोडक्शन रूल में टी दिया हुआ है,
तो वो भी ई के अंदर है, तो उसको ई टेंस टू डॉट टी लिखेंगे, और फिर टी में आईडी दिया हुआ है तो आईडी के आगे भी डॉट लगा देंगे, ये मेरा कैनोनिकल आइटम्स बन जाएगा पूरा, इसको आई जीरो मार्क कर देंगे। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ई को मूव करेंगे, ई को मूव करेंगे और मतलब व्यू करना चाहेंगे तो उसके लिए ई को मूव करेंगे, तो ई जो नेक्स्ट स्टेट मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा ई डैश टेंड्स टू ई डॉट, तो वो मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट हो जाएगा क्योंकि वो कंप्लीट हो जाएगा, ई डॉट के बाद कोई अदर वेरिएबल्स या स्ट्रिंग्स नहीं है। फिर सेकेंड हम टी को उसी तरह मूव करेंगे, टी को मूव करेंगे तो ई सर वहां पे ई डैश लिखा हुआ है, वहां पे ई होगा ना, ए उसी तरह एक सेकेंड टी भी दिया हुआ है हमारे कैनोनिकल आइटम्स में, तो उसको भी स्कैन कर लेंगे, व्यू कर लेंगे, तो टी के बाद डॉट हो जाएगा। फिर थर्ड पे हम वो सेकेंड हो जाएगा क्या आई टू उसको कर देंगे, और पहले वाले को जो क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर टी एक ई डिराइव टी है, टी के बाद डॉट आ जाएगा तो एक रिड्यूस टू में आ जाएगा, ठीक है वो रिड्यूस टू मार्क कर देंगे उसको। और थर्ड में हम आईडी को मूव करेंगे तो आईडी भी आईडी के बाद डॉट हो जाएगा और उसको आई थ्री मार्क कर देंगे और वो रिड्यूस थ्री हो जाएगा। उसके बाद सर I2 से हम प्लस को मूव करेंगे, इसलिए हो रहा है क्योंकि ए तीन नंबर प्रोडक्शन रूल में आता है, प्रोडक्शन रूल में दिया हुआ है, ये एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर है, ये तीन नंबर पर है इसलिए रिड्यूस थ्री में आ जाएगा, ये दो नंबर नंबर पर है इसलिए रिड्यूस टू में आ जाएगा, ठीक है फिर बोलो। इसके बाद सर प्लस को मूव करेंगे तो आई फोर मेरा मिल जाएगा, आई फोर में प्लस के बाद डॉट हो जाएगा और तो वहां पे मिल जाएगा हमको ई टेंस टू टी प्लस डॉट ई, और ई जो है उसके पहले डॉट है इसीलिए ई को फिर ओपन करेंगे तो मिल जाएगा मेरा ई टेंस टू डॉट टी प्लस ई, और फिर टी ई टेंस टू हो जाएगा डॉट टी, और मतलब प्रोडक्शन रूल के हिसाब से टी टेंस टू हो जाएगा आईडी। यहां पर जो हो रहा था वो सेम चीज यहां पर होगा, ठीक है इसको मूव करने की, यस वो आई फोर मेरा मार्क कर देंगे। फिर वहां से ई को मूव करेंगे मतलब सीन करने के लिए ई को मूव करेंगे, फिर आई फाइव मेरे को मिल जाएगा और ई के बाद डॉट हो जाएगा क्योंकि ई को मूव करके हम ई को सीन कर रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे टी के आगे भी डॉट है आई फोर में तो टी को मूव करेंगे, तो टी को मूव करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ई टेंस टू टी डॉट प्लस ई और ई टेंस टू टी डॉट, और फिर वहां से आई डी जो कि ये जो मिल रहा है टी को मूव करने पे वो और आई टू सेम है तो वैसे भी लिख सकते हैं कि उसको उधर से मूव करके दिखा सकते हैं कि वो सेम आ रहा है यहाँ पर टी रिड्यूस करने से इस स्टेट पे आ रहा है, ठीक है यस सर। उसके बाद सर आईडी को मूव कर रहे हैं तो मेरे को आई थ्री मिल जा रहा है और वो रिड्यूस थ्री तो पहले ही हो रहा था। फिर वहां से ये पूरा प्रोसेस को कैनोनिकल आइटम्स को यूज करके हम टेबल बना रहे हैं एलआर का, तो वहां से फर्स्ट कॉलम में स्टेट ले रहे हैं, सेकंड में एक्शन पार्ट में हम लोग स्ट्रिंग्स ले रहे हैं और थर्ड में वेरिएबल्स ले रहे हैं गो टू पार्ट में। स्टेट जीरो से देख रहे हैं तो स्टेट जीरो से ई को जब मूव कर रहा है तो वो फर्स्ट आई वन में जा रहा है इसलिए वहां पे वन लिख दिए हैं, और टी को मूव कर रहा है तो आई टू में जा रहा है इसलिए वहां पे टू लिख दिए हैं, और वहां पे शिफ्ट थ्री हो रहा है आईडी को मूव करने पे तो वहां पे एस थ्री लिख दिए हैं। फिर फर्स्ट में फर्स्ट स्टेट जो है वो एक्सेप्टिंग स्टेट है तो वहां पे पूरे में एक्सेप्टेंस स्टेट लिख सकते हैं, यहाँ पर तीनों प्लेस पे एक्सेप्टेंस आप लोग लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर ऊपर में लिख दिया लेकिन ये जो आईडी प्लस और डॉलर है उसमें ये होगा, और यहाँ पर देखो
ये टर्मिनल जो है वो एक्शन स्टेट पे आएगा और जो वेरिएबल है जो यहाँ पर जो है वो गो टू स्टेट में आ जाएगा, ठीक है? फिर बोलो। उसके बाद सेकेंड स्टेट में हम देखेंगे तो वहां से सेकेंड स्टेट से प्लस को मूव कर रहे हैं तो वहां पे शिफ्ट फोर हो रहा है तो वहां पे प्लस वाले टर्मिनल पे एस फोर लिख देंगे और सेकेंड वाले स्टेट में रिड्यूस टू हो रहा है इसलिए आर टू सारे टर्मिनल्स या सारे स्ट्रिंग्स पे आर टू लिख दिए हैं। फिर स्टेट थ्री में देखेंगे तो स्टेट थ्री में रिड्यूस थ्री हो रहा है तो वहां पे आर थ्री लिख देंगे सारे वेरिएबल्स सॉरी सारे स्ट्रिंग्स पे। फिर स्टेट फोर में एस थ्री वहां पे लिखे हैं क्योंकि वो शिफ्ट थ्री हो रहा है आईडी पे वैसे शिफ्ट हो रहा है। तो उसके बाद स्टेट फाइव में वहां पे रिड्यूस वन हो रहा सॉरी फोर्थ में जब ई को मूव कर रहे हैं तो वहां पे आई फाइव मिल रहा है इसलिए वहां पे फाइव लिख दिए हैं और टी को मूव करने पे आई टू मिल रहा है इसलिए वहां पे टू लिख दिए हैं और स्टेट फाइव में रिड्यूस वन हो रहा है इसलिए आर वन सारे पे लिख दिए हैं। और स्टेट फाइव में ए हो गया लेकिन इसको हम लोग एल आर जीरो बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? ए बोलो। नहीं सर ये ग्रामर एल आर जीरो में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक शिफ्ट और रिड्यूस में कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है एस फोर और आर टू में। अगर शिफ्ट रिड्यूस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए अगर रिड्यूस रिड्यूस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो एल आर जीरो पार्सर के अंदर नहीं आएगा, ठीक है? एंड नेक्स्ट जो है सी एल आर पार्सर जो है नेक्स्ट जो एसएलआर पार्सर है, ठीक है? एसएलआर पार्सर में सेम प्रोसेस होगा, इसमें एलआर जीरो पार्सर में जो हो रहा है इसमें सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ जो पार्सिंग टेबल है पार्सिंग टेबल में चेंज आ जाएगा, ठीक है? पार्सिंग टेबल में चेंज वो भी ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ एक्शन पार्ट में जो है एक्शन पार्ट में पार्सिंग टेबल में चेंज होगा, ठीक है? तो देखो अगर हम लोग ये ग्रामर जो यहाँ पर यूज किए है एल आर जीरो में विच ग्रामर इज यूज इन एल आर जीरो द सेम ग्रामर इन यूज टू एस एल आर एंड दिस पार्ट ओनली द चेंज पार्ट इज एक्शन पार्ट एंड द रिड्यूस गो टू पास्ट पार्ट इज द सेम एज एल आर जीरो पार्ट एंड ऑल्सो द स्ट्रिंग इज ऑल्सो सेम। तो here we did not write down the go to part and only we discuss the action part and here SLR 1 में जो action part होगा वो क्या होगा वो देखो, ठीक है? SLR 1 में जो action part होगा उसमें change क्या होगा, change क्या होगा उसमें change बहुत ज्यादा नहीं होगा, उसमें main जो change होगा वो शिफ्ट जो हो रहा है शिफ्ट रिड्यूस जो हो रहा है रिड्यूस पार्ट में उसका हम लोग फॉलो निकालेंगे। इन रिड्यूस पार्ट लेफ्ट हैंड साइड का जो फॉलो है हम लोग वो फॉलो निकालेंगे, ठीक है? यहाँ पर रिड्यूस कहाँ कहाँ पर हो रहा है नंबर टू कॉलो स्टेट पर और नंबर फोर स्टेट पे और नंबर जीरो जो स्टेट है तो रिड्यूस जो हो रहा है रिड्यूस किसका हो रहा है ये जो तीन चीज है इसका रिड्यूस हो रहा है इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे पहले हम लोग ई एंड एफ लेफ्ट साइड का फॉलो निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में क्या है ई एंड टी है तो ई एंड टी का फॉलो कैसे हम लोग निकालेंगे। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ हर एक क्लास करना जरूरी है क्योंकि अगर हम लोग एल आर जीरो एंड सी एल आर कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर हम लोगों का फॉलो निकालना पड़ रहा है और अगर तुम लोगों को फॉलो कैसे निकलते हैं वो नहीं पता है अगर वी कांट फाइंड द फॉलो ऑफ द रिड्यूस पार्ट देन वी कैन नॉट ड्रॉ द टेबल प्रॉपरली। सो हर एक क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पहले क्लास से कोई ना कोई लिंक होता है, ठीक है? तो इसमें फॉलो क्या निकलेगा ये फॉलो बोलो फॉलो हम लोग इसमें फॉलो क्या निकालेंगे कैसे निकालेंगे सर फॉलो निकालना होगा इसका
फॉलो क्या होगा बोल दो सर. फॉलो ई का होगा सर डॉलर. ई का फॉलो डॉलर क्यों आ रहा है ये बोलो सर. ई का डॉलर इसीलिए हो रहा है क्योंकि ई गोस टू रेहान. तुम रुको बबीता कुमारी बोलो. रेहान रुको बबीता कुमारी बोलो. ई का फॉलो डॉलर क्यों आ रहा है बोलो. सोनम सिन्हा डीईसी का सोनम सिन्हा. सोनम बोलो फॉलो इसका फॉलो डॉलर क्यों आ रहा है ये बोलो. सोनम कुमारी दीपान्विता बोलो. कुमारी दीपान्विता सोनम तो प्रेजेंट दे दिया. उसको क्वेश्चन पूछा वो प्रेजेंट दे दिया. रक्षा भारती कोई एक तो बोलो फॉलो. हम लोग इसमें फॉलो क्या कैसे निकल रहे हैं डॉलर. तानिया कुमारी यस सर बोलो फॉलो डॉलर फॉलो इसमें क्यों आ रहा है सर. ई का फॉलो डॉलर होगा क्योंकि हम जब चेक करेंगे ई के इमीडिएट राइट में कोई भी वैल्यू नहीं है कोई भी स्ट्रिंग नहीं है तो ये स्टार्ट सिंबल पे चला जाएगा और स्टार्ट सिंबल हमारा ई है और स्टार्ट सिंबल का फॉलो डॉलर होता है. ए तो ठीक है बहुत अच्छा. फिर बोलो टी का फॉलो क्या है सर. टी का फॉलो प्लस और डॉलर क्यों आ रहा है बोलो सर. क्योंकि टी के राइट इमीडिएट राइट में प्लस है और सेकंड वाला जो टी है उसके राइट में कुछ भी वैल्यू नहीं है वो तो स्टार्ट सिंबल में चला जाएगा. स्टार्ट सिंबल ई है और स्टार्ट सिंबल का फॉलो डॉलर होता है इसीलिए प्लस और डॉलर. ठीक है फिर इसमें बोलो इसमें जो पार्सिंग टेबल होगा एसएलआर में इसमें पार्सिंग टेबल हम लोग क्या कैसे करेंगे बोलो सर. पार्सिंग टेबल में जो LR0 का पार्सिंग टेबल है वो उसमें स्टेट और गो टू पार्ट सेम रहेगा और एक्शन पार्ट में सारा कुछ सेम रहेगा लेकिन जो रिड्यूस टर्म है उसके लेफ्ट हैंड साइड का फॉलो लिखेंगे. तो हम लोग का पहला रिड्यूस टर्म स्टेट टू में है R2. तो R2 का जो फॉलो R2 के जो लेफ्ट साइड है ई उसका फॉलो है डॉलर. उसका फॉलो होगा डॉलर और प्लस. तो प्लस और डॉलर की जगह पे हम लोग R2 लिखेंगे. नो सर उसका डॉलर है ई उसका फॉलो है ई. हाँ ठीक है तुम जो कर रहे हो वो भी. यस सर. ठीक है तुम बोलो तुम जो कर रहे हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल सकते हो तुम. यहाँ पर मैंने जो किया है वो कॉलोनिकल आइटम से किया है 0, 1, 2. अगर तुम R2 का कर रहे हो तो R2 का कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलो. यस सर R2 है टी तो टी का फॉलो है प्लस और टी का फॉलो है प्लस और डॉलर इसलिए प्लस और डॉलर की जगह पे हम लोग R2 लिखेंगे. डॉलर की जगह पे R2 लिखेंगे और फिर जब हम रिड्यूस टर्म 3 का फॉलो निकालेंगे तो उसका फॉलो होगा प्लस और डॉलर. तो प्लस और डॉलर की जगह पे R3 लिखेंगे और स्टेट 3 में. और जब हम रिड्यूस टर्म 1 स्टेट 5 में उसका जब फॉलो निकालेंगे तो वो फिर से है डॉलर. तो डॉलर की जगह पे R1 लिखेंगे स्टेट 5 में. तो इसमें क्या हो रहा है सर. इसमें कोई भी शिफ्ट और रिड्यूस का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है तो इसलिए ये SLR1 में ये ग्रामर पास होगा.
ठीक है, लेकिन एलआर में नहीं होगा, तो इसमें से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो एलआर होगा वो एसएलआर हो जरूर होगा, लेकिन जो एसएलआर होगा वो एलआर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो ये तो एलआर जीरो नहीं हो रहा था लेकिन ये एसएलआर हो गया, ठीक है, और तो इसमें से हम लोग एक प्रोसेस में और एक डिस्कशन में आ सकते हैं, क्योंकि जो एसएलआर होगा वो एलआर नहीं हो सकता है, लेकिन जो एलआर होगा वो एसएलआर जरूर होगा, क्योंकि एलआर होगा तो वो तो सिर्फ एक ही बॉक्स में शिफ्ट एंड रिड्यूस होगा, उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा और शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए जो एलआर होगा वो एसएलआर जरूर होगा, लेकिन जो एसएलआर होगा वो एलआर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? देखो ये रिपीट क्लास हो रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना, लेकिन ये करना पड़ेगा क्योंकि हर एक टॉपिक्स एक के साथ और एक रिलेटेड होता है, इसमें जो सीएलआर है सीएलआर में भी और एक लॉजिक आ जाएगा, इसमें हम लोग लुक अहेड में डॉलर लेंगे, डॉलर लेके हम लोग यहाँ पर और एक प्रोसेस में हम लोग करेंगे सीएलआर, ये जो ग्रामर है ये सीएलआर के अंडर में आता है या नहीं आता है, ठीक है, ये भी हम लोग करेंगे, तो हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एक के साथ और एक रिलेटेड होता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस किए हैं आज, तो ये दोनों सेम चीज है, जो एलआर जीरो है और जो एसएलआर है ये दोनों चीज सेम है, लेकिन इसमें पार्सिंग टेबल में एक चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं एलआर जीरो पार्सर नहीं है लेकिन ये सीएलआर जीरो पार्सर है, तो क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा, समझो जो एग्जाम हो रहा है एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इस क्या बोल रहे, एक ग्रामर है इसका एक टेबल ड्रॉ करो और पार्सिंग ट्री ड्रॉ करो एंड फाइंड आउट दिस ग्रामर इज बिलोंग्स टू एलआर जीरो और नॉट, ए क्वेश्चन में ये आ सकता है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको अगर मिस करोगे तो ये नहीं होगा। सोनम सिन्हा डीसी का अभिषेक कुमार, समझ में आया कैसे हो रहा है? यस सर, थोड़ा थोड़ा। प्रॉब्लम किस में हो रहा है वो बोलो तो, तुम लोगों का? सर यहाँ पे एक I4 था, यहाँ पे E tends to T plus dot E, उसके बाद सर ये E tends to dot T plus E कहाँ से आया? कौन सा कौन आइटम में बोल रहे हैं बोलो, ये जीरो है, वन है, टू, थ्री, आइटम नंबर I4 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 में क्या बोल रहे हो सर? फर्स्ट लाइन समझ में आया, E tends to T plus dot E, सर उसके बाद सर लास्ट का तीन लाइन कहाँ से आया? देखो यहाँ पर देखो डॉट के बाद क्या है, वेरिएबल है। यस सर। यहाँ पर क्या था, डॉट के बाद वेरिएबल था। यस सर। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, अगर वेरिएबल होगा तो ये तो ई यहाँ पर सीन नहीं हुआ है, इसमें जो ई है ये तो सीन नहीं हुआ है, तो इसमें वेरिएबल के बाद डॉट के बाद वेरिएबल था, इसलिए ये इस ई को फिर से हम लोग ओपन कर रहे हैं। अगर डॉट के बाद कोई वेरिएबल होगा तो उसको हम लोग और एक बार ओपन करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर देखो ई ओपन हो रहा है। ई कैसे ओपन आ रहा है, यहाँ पर जो जैसे ई ओपन हो रहा था इसमें भी वो ई ओपन हो गया, लेकिन इस पार्ट से बाद हम लोग क्या कर रहे थे, ए पार्ट आ रहा था, इसलिए इस इट ये जो पार्ट है इसके बाद हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर दिए, क्योंकि इसके बाद ये तो सेम आ जाएगा ना, यहाँ पर जो आया था यहाँ पर जो आया था। यस सर। ठीक है, लेकिन इसमें सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ई को हम लोग यहाँ पर मूव ऑन कर रहे हैं, मूव ऑन हम लोग अगर करेंगे तो ये जो आ जाएगा वो लास्ट स्टेज होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ई मूव करने से जो I5 स्टेट आ रहा है वो लास्ट स्टेज है और इसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग कर रहे हैं एक एक पार्ट, लॉजिक है, लॉजिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बोल।